मेरे परिवारजनों आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगो युगों में एक बार आता है आज के दी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या तो करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व तो करने की और कदम बढ़ा देता है भारत वो देश है जहां लव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है भारत बहुदेश देश है जहां खुदराम बोस बटुकेश्वर दत्त कनकलता बरुआ रानी गाइडिलियो बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों आज के नौजवानों पर है भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है